आज से ईडी की रिमांड पर संजीव कुमार जहांगीर इमाम, जहां आपको बता दें कि ईडी आज से दोनों से पूछताछ करेगी। 6 दिनों के रिमांड पर है दोनों। पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, कई राज सामने आ सकते हैं। कल पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दी है 6 दिनों की रिमांड। छापेमारी के बाद सोमवार देर रात को दोनों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि सोमवार को छापेमारी में इनके यहां से करोड़ों कैश बरामद किए गए थे, जिसके बाद देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। कल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, जिसके बाद ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई और 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली। और रिमांड अवधि आज से शुरू हो रही है। आज से दोनों से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। और इसी के साथ जो बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये ईडी की कार्रवाई, जहां करोड़ों के कैश बरामद किए गए हैं उनके यहां से, सोमवार देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां रिमांड पर लिया गया ईडी की तरफ से। आज वो रिमांड अवधि शुरू हो रही है, आज से उनसे पूछताछ शुरू होगी और इस पूछताछ में कई राज खुल सकते हैं। दीपक, कई चीजें सामने आ सकती है, पैसे किसके हैं और क्या इससे जुड़े सभी जो जानकारी, कई राज खुल सकते हैं। दीपक, जी बिल्कुल, देखिए टेंडर घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 दिनों तक ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें करोड़ों जो है वो ईडी ने डिटेन किया है, पैसा बरामद किया है। पहली कार्रवाई जो है 6 मई को हुई थी और 6 मई को जब कार्रवाई हुई थी तो मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के अलावा कई इंजीनियर और ठेकेदारों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से लगभग 30 करोड़ से अधिक जो है वो नकदी बरामद की गई थी। वहीं जो ठेकेदार है मुन्ना सिंह, उनके ठिकाने से भी 2,93,00,000 रुपया जो है ईडी ने बरामद किया था। और जैसे ही यह मामला सामने आया था उसके बाद ईडी ने जो है मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कल पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था और पेशी के बाद ईडी ने 6 दिनों की रिमांड की 10 दिनों की रिमांड की मांग पीएमएलए की विशेष कोर्ट से किया था, लेकिन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दे दी है और वह रिमांड की अवधि जो है आज से शुरू होगा। यानी कि आज से संजीव लाल और जहांगीर आलम से ईडी पूछताछ करेगी कि आखिर उनके ठिकाने से जो बरामद रकम है वो रकम किसकी है, चूंकि इतनी बड़ी रकम है और वो पैसा कहां कहां से इकट्ठा किया गया था और कितने दिनों में वो पैसा को वहां पे रखा गया है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी की अधिकारी जो है पूछताछ करेंगे। उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। ईडी का दावा है कि 1 माह के भीतर 10 करोड़ रुपए के तक का जो है वो टेंडर घोटाला करके जो है कमीशन के तौर पे जो वसूली की गई है वो पैसा इकट्ठा किया गया है। और कल जिस तरीके से छापेमारी हुई थी, हमने देखा भी कि कल 5 लोकेशन पे छापेमारी हुई थी, कई कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियरों के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी और राजीव सिंह के जो ठिकाने पे छापेमारी हुई थी उसमें 2,14,00,000 रुपये ईडी ने बरामद किया है। और ईडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह जो है वो ठेकेदारों से पैसा की वसूली करता था और वह पैसा को जो है वो संजीव लाल को देता था और वही पैसा जो है वो 1 माह के भीतर जो है 10 करोड़ रुपया जो है रखी गई थी। उससे पहले से भी पैसा जो है वहाँ पे रखा गया था, क्योंकि जिस फ्लैट से ईडी ने बरामद किया है 30 करोड़ से अधिक की राशि, वह फ्लैट जो है कुछ माह पहले ही खरीदी गई थी और उस फ्लैट में ओएसडी मंत्री आलम नौकर है जहांगीर आलम, वो इस मामले को लेकर के होगी और 6 दिनों तक जो पूछताछ चलेगी उसमें कई अहम जानकारी ईडी को मिलेगा और ये जांच के आंच जो है कई लोगों तक जा पहुंचेगा और कई लोग जो है ईडी के रडार पर आ सकते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीका से इस मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है, चूंकि जो पहली टेंडर घोटाला मामले को लेकर जो कार्रवाई हुई थी फरवरी 2023 में और निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के जब ठिकाने पे छापेमारी हुई थी और वीरेंद्र राम से जो पूछताछ हुई थी रिमांड पर लेकर के ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, तो उस वक्त ये खुलासा वीरेंद्र राम ने किया था कि टेंडर
घोटाला करके जो कमीशन का जो पैसा वसूली होती थी वह पैसा नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता था। तो जाहिर सी बात है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो जाता था वो पैसा किसके तक पहुंचता था, इसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जो ईडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें नौकरशाहों के अलावा राजनेताओं की भी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे में इन लोगों से पूछताछ जब होगी तो कई अहम जानकारी ईडी को मिलेगा और उसके आधार पर जांच की आंच जो है कई लोगों तक जा पहुंचेगा और कई लोग ईडी के रडार पर होंगे। आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूछताछ होगी और जो अभी तक जो जांच हुई है, जो पैसा बरामद किया गया है, इस मामले को लेकर के ईडी की जो जांच और कार्रवाई चल रही है, जो पूछताछ आज से 6 दिनों तक होगा इन दोनों से, तो उसके बाद देखिएगा कि कई लोगों को ईडी समन भी करेगा और कई लोगों को ईडी समन भेज सकती है। जो ईडी की जांच की आज है वो कई लोगों तक पहुंचेगी। अब हम अपने सहयोगी सत्यव्रत से भी जुड़ लेते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सत्यव्रत, देखिए ओएसडी और जो सहायक उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चलेगी 6 दिनों तक ईडी की, और कई लोग जो है इसके बाद रडार पे आएंगे, ईडी के रडार पे आएंगे, जांच की आज उन तक पहुंचेगी, कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, कई राज खुलेंगे। वहीं एक तरफ देखा जाए तो आलमगीर आलम को भी अब थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है इस जांच के बाद, इस ईडी की जो कार्रवाई की गई उसके बाद। देखिए बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने कि टेंडर घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते 48 घंटे में जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है और छापेमारी के दौरान चाहे वो 35 करोड़ 23 लाख रुपए हो, डिजिटल दस्तावेज हो, घोटाले से संबंधित जो कई कागजात हैं वो ईडी के हाथ लग चुके हैं। और इस पूरे मामले में ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और ओएसडी के जो घरेलू नौकर हैं जहांगीर आलम, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज पीएमएलए कोर्ट के द्वारा जो है वो रिमांड की अवधि दी गई थी और रिमांड की अवधि आज से शुरू हो गई है, यानी कि संजीव लाल और जहांगीर आलम इन दोनों से आज ईडी के अधिकारी जो है वो सघनता पूर्वक पूछताछ करेंगे और उस दौरान कई और लोगों का नाम सामने आने वाला है। ईडी ने अपने जांच में पाया है कि ग्रामीण विकास विभाग में जो योजनाएं चलाई जाती थी उस योजनाओं के एवज में 15% जो है वो टेंडर का कमीशन लिया जाता था और उस कमीशन का जो बंटवारा है वो निचले कर्मचारी से लेकर ऊपरे अधिकारी तक जो है वो पहुंचाया जाता था। कई लोग रडार पर है, तबरेज आलम की बात करें वो रडार पर है, उसके अलावा मुमताज अहमद है वो ईडी के रडार पर है, मुन्ना सिंह है, सुमित सिंह है, कुलदीप मिंज है, यानी कि कई ठेकेदार, कई इंजीनियर जो है वो ईडी के रडार पर है। इन सभी पर ईडी की जो तलवार है वो लटक रही है। जाहिर सी बात है कि रिमांड पर ईडी सघनता पूर्वक पूछताछ करेगी और टेंडर घोटाला मामले में और जिनकी भी जांच के बाद कई राज खुलेंगे। बिल्कुल सत्यव्रत, और उसके बाद कई लोग जो है रडार पे आएंगे, कई लोगों तक जांच की आज पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए, और दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि जो ईडी की कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें ओएसडी और सहायक को गिरफ्तार किया गया था सोमवार की रात, और आज उनकी रिमांड अवधि शुरू हो रही है, उनसे पूछताछ किया जाएगा जिसके बाद कई राज खुल सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।